नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका का आज मैं आपसे बात करूंगी भृगु नंदी नाड़ी में केतु और शनि को हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भृगु नंदी नाड़ी में जो आपकी जहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हो, जैसे केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो सैटर्न आपके उसके दूसरे घर में आ जाए, सैटर्न उसके बाद में घर में आ जाए, या सैटर्न उसके ट्राइन में आ जाए। ट्राइन मतलब ट्राइन कैसे बनेगा, 159, 2610, 3711 और 4812 उसमें आ जाए, या उसको कहीं भी आमने सामने कहीं भी बैठे हों, केतु शनि का योग बन जाए। तो केतु, सबसे पहले केतु समझिए, केतु क्या होता है। केतु क्या है, झंडा, यानी कि आपका किसी भी गाड़ी पे, जो गवर्नमेंट की गाड़ियां होती हैं उन पर लगने वाला झंडा है। केतु क्या है, संन्यास है। केतु डिटैचमेंट है। केतु आपको है ना एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट रिसर्च, इसमें इंटरेस्ट दिखाता है। केतु आपको संन्यास की तरफ, आपका अध्यात्म की तरफ आपका इंक्लिनेशन दिखाता है। और शनि क्या है, शनि हमारा कर्मा है, शनि हमारा प्रोफेशन है। हम कुछ भी, कोई भी जो कर्मा करेंगे तो वो किससे देखा जाएगा, सैटर्न से देखा जाएगा। तो सबसे पहले जब केतु का शनि, केतु शनि का योग होता है तो क्या योग होता है कि आपको है ना प्रोफेशन में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन देता है। आप सब अपनी हॉरोस्कोप में देख लीजिएगा, जिस जिसकी हॉरोस्कोप में केतु सैटर्न का योग होगा, प्रोफेशन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी देगा। आदमी जो है ना प्लानिंग बनाए, लेकिन प्लानिंग बना बनाकर वो बीच में छोड़ देगा। उसको अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ा सा कहीं अनस्टेबिलिटी रहेगी, डर रहेगा हमसे प्रोफेशन कहीं छूट नहीं जाए, चला नहीं जाए। क्यों, केतु क्या होता है, दिमाग में फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। क्यों, केतु क्या है, हेडलेस है, केतु का सिर नहीं है, तो क्या करेगा, फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा। तो क्या होगा कि हमेशा डर लगा रहेगा प्रोफेशन को लेकर कि कहीं मेरी कोई जो मैं काम कर रहा हूँ वो चला नहीं जाए, वो छूट नहीं जाए। इसके अलावा केतु क्या होता है, मल्टीपल होता है, सीढ़ियाँ होता है, तो वो क्या करेगा, ड्वेल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की सोचेगा, मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। केतु सैटर्न का जब योग होता है तो क्या होता है, आदमी एक बार, जैसे कहते हैं ना हाइट से गिरना या हाइट से उसको डर लगना। अब केतु सैटर्न के लिए अगर मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट रिसर्च, अध्यात्म, इसमें वैसे होता है ऐसे लोगों को, लेकिन उसमें अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा रखें। इसके अलावा किसी भी तरह की हीलिंग का काम, केतु क्या है, हीलर है। तो क्योंकि जो फर्स्ट नक्षत्र है अश्विनी केतु का, वो क्या है, हीलर है। अश्विनी कुमार कौन थे, हीलर, डॉक्टर के जो देवता थे उनके डॉक्टर्स थे, वैद्य थे। तो क्या है, किसी भी तरह की हीलिंग का काम, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो गया, ज्योतिष से रिलेटेड हो गया, पूजा पाठ से रिलेटेड हो गया, केतु सैटर्न का योग जो है ना, जैसे ऑयल का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये केतु सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु क्या है, पीक, चोटी, किसी भी मंदिर की चोटी होता है। तो देखिएगा ट्रांजिट में भी, आप देखिएगा आपको ट्रांजिट कैसे पढ़ना है। जब भी केतु के ट्राइन में सैटर्न का ट्रांजिट हो, केतु के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट हो, तो ये क्या करता है कि आपको हाइट वाले मंदिर भेजता है, यानी कि आप पहाड़ वाले मंदिर जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। केतु सैटर्न, सैटर्न क्या होता है, पैर होते हैं, और केतु चोटी होता है, तो चोटी वाले मंदिर जाना, भगवान में स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंक्लिनेशन हो जाना आपको है ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्र और आ जाते हैं ट्राइन में, तो क्या होगा, किसी गंगा स्नान करने जाना, ये आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा। कब देखना पड़ेगा, ट्रांजिट में देखना पड़ेगा। तो आपको जब केतु सैटर्न पढ़ेंगे तो केतु सैटर्न को इस तरह पढ़ेंगे। और केतु सैटर्न जो है, अगर इसके साथ ट्राइन, इसके साथ में सूर्य भी आ जाते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य भी आ जाते हैं, तो ये क्या बनाएंगे कि आपको गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब दिलाएंगे, यानी कि आपके गवर्नमेंट में गाड़ी पे लगने वाला झंडा बनाते हैं केतु सैटर्न सूर्य बनाते हैं। तो केतु को आप नेगेटिव मत लीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है केतु की बात, केतु सैटर्न के साथ बैठे, तो सैटर्न क्या है, हमारा प्रोफेशन है, केतु क्या है, डिटैचमेंट है। केतु क्या कहता है, मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, मुझे अध्यात्म चाहिए, मेरी चीजें आप किसी को मत बताइए। तो आप देखिएगा जिसके लगन में केतु बैठते हैं तो वो अपनी चीजें किसी से बहुत जल्दी रिवील नहीं करता है। तो अगर केतु सैटर्न 10th हाउस में है, केतु सैटर्न लगन में, या केतु के ट्राइन में सैटर्न है, या सैटर्न के ट्राइन में केतु है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप काम होने से पहले अपने प्रोफेशन की स्पेशली किसी, कोई आप नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसको आप किसी से रिवील नहीं करिए। अगर करेंगे तो निश्चित मानिए वो काम नहीं होगा। इसके अलावा केतु सैटर्न जब बैठते हैं तो केतु क्या, डिटैचमेंट है। तो जब भी कोई भी आपको काम करना है ना, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो आपका बहुत जल्दी रेक्टिफाई होगा और बहुत जल्दी वो काम होगा। अभी बहुत प्रेडिक्शन होते हैं इसमें, लेकिन आप केतु सैटर्न को इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे और इसको, इस पे काम करेंगे, तो ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे और आपका जो है ना झंडा बिल्कुल आसमान में लहरा देगा।